तो अभी जो टाइम हमारे जो एक राइड डन हो चुका है, मुझे मिल गया और मैं वो था मुझे दुबई रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट ट्रांसफर हो गए होगा मैदा वगैरह आप मिले। टाइम 4:30 हो रहा है। तो हाय दोस्तों, मैं विकास आप सभी के एक नए ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आज है दिन हमारा शुक्रवार का। तो अभी जो टाइम हो गया है 4:30 और हमारे जो है 3 पार्सल और एक राइड डन हो चुका है। आज तो इतना बिजी हो गया कि बैक टू बैक मुझे मिल गया और मैं रिकॉर्ड करने के लायक भी नहीं रहा और मेरे को टाइम इतना बच गया। तो कोई नहीं, मैं आपको बता देना चाहूँगा, पहला पार्सल मुझे मिला था जो वो है था आपका ककरोला मोड़ का था, ठीक है, और 119 रुपये का था जिसमें मुझे काट के 98 रुपये दिए गए, बाकी अपने उन्होंने कमीशन काट लिया और पार्सल में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है। और जो दूसरा पार्सल मुझे मिला, पार्सल मुझे द्वारका मोड़ से मिला था और वो था मुझे 4 पिज्ज़ा थे छोटे छोटे, बट पिज्ज़ा तो गर्म होते हैं वो ठंडे थे, तो शायद वही रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट ट्रांसफ़र हो रहा होगा, वहाँ डिमांड होगी तो इसमें मंगाया होगा बेसन वगैरह या कुछ भी होगा मैदा वगैरह। तो वो अमाउंट था उसका, जो अमाउंट था आपका 283 रुपये का, ठीक है, और उसमें जो मुझे मिले तो दोस्तों वो 284 का था, ठीक है, जिसमें मुझे 222 रुपये मिले, 222 मिले और उसके बाद मुझे वो राइड मिली, एक राइड मिली थी उबर में, ठीक है, ओखला के लिए, और वो कस्टमर तो भाई बहुत भारी पड़ गया मुझे, मैं दिखा नहीं सकता, मगर वही बात है ना कि मैं क्या क्या करूँगा, आप लोग तो सपोर्ट ही नहीं करते हो मुझे, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना शेयर करते हो, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं दिखा नहीं पाता हूँ, बट अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं वो चीज़ भी दिखाना स्टार्ट कर दूँगा। तो उसको कस्टमर लिया मैंने और उसको रात भर जगा हुआ था, ट्रेन से आया हुआ था तो नींद आ रही थी, और जब मैं बाइक चला के आगे पहुँचा तो उसको नींद आने लग गई, वो मेरे पीछे से झटके खाने लग गया, मैं तो क्या हो गया, बाइक को पंचर वंक्चर तो नहीं हो गई, फिर मैंने शीशे ऊपर करके देखा तो भाई साहब वो तो झपकियाँ ले रहा है, कहीं गलती से भाई गिर गया ना, मेरी लेनी देनी हो जाएगी। मैंने उसको बोला, ओ भाई क्या हुआ, क्यों सो रहा है, तो कह रहा है भाई साहब रात में ना सोया नहीं इस वजह से। तो भाई मैं कह रहा गाड़ी कर लेता, फिर भी बाइक करनी थी तुझे, कह रहा कर लिए, तो मैं कहा चल ठीक है भाई पकड़ ले मुझे और कंधे रख दे सो जा, पहुँच जाएगा मैं तुझे उठा दूंगा, मगर भाई बीच बीच में अगर मैं झटके दूंगा तो फिर, क्योंकि बैलेंस भाई नींद में बैलेंस वो बिस्तर से मजा जाता है, देखो नींद में हमेशा हर कोई बिस्तर ही समझता है, भाई चाहे घर से बिस्तर में समझते हो रोड भाई बिस्तर का हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो फिर इसको ड्रॉप किया, 230 का अमाउंट बना, उबर ने मुझे 200 के अराउंड से ऊपर ही दिया, ठीक है, और उसके बाद मुझे वहाँ से मिला ये एयरफोर्स के लिए ओखला से ही, 182 का था और 142 रुपये मिले, कुछ ऐसे कुछ समथिंग मिला, स्क्रीन शॉट लगा दूंगा पार्सल का, स्क्रीन शॉट लगा दूंगा, कुछ नहीं था, एक कोई काला सा कोई इनका लोगो होगा ब्लैक सा बनवाने के लिए दिया होगा, तो वही लेके आया था। अब मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ और आपसे बात करते करते मुझे अभी 4:45 हो चुके हैं, तो अब मैं यहाँ से वेट करूँगा, देखूँगा कि मुझे अब उसमें क्या राइड मिलती है या पार्सल मिलता है, और यहाँ से घर का डिस्टेंस अभी 22 किलोमीटर है, तो कोई नहीं देखते हैं क्या होता है। बाकी सॉरी उसके लिए, तो मैं आपको कंटिन्यू रहिए वीडियो के साथ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, अपडेट होता है कोई होता है तो मैं आपको बताता हूँ। A few moments later. तो हमारा एक राइड और कंप्लीट होता है रजौरी गार्डन के लिए, वहीं से मिला था मुझे, ठीक है, बहुत ही किलोमीटर तो 11 किलोमीटर दिखा रहा था बट अभी 9.8 दिखा रहा है, तो 114 का बिल बना था, 91 दिया, बाकी उन्होंने अपना कमीशन काट दिया। अब मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बैटरी जो मतलब कि मेरे फ़ोन की जो बैटरी होगी कम 25% है, वो ज़्यादा चल नहीं पाएगी, तो अब मैं घर के रूट के लिए ही बैठा हूँ, घर के रूट में मिल जाए तो यहाँ से है घर का रूट कम से कम 15 किलोमीटर, ठीक है, मिल जाए तो अच्छी है, तो कुछ पैसा और बढ़ जाएगा, वेट करूँगा अभी तो टाइम क्या हुआ है। तो 5:40 हो चुके हैं, ठीक है, अब देखते हैं वेट करते हैं अगले पार्सल या ऑर्डर के लिए। A few moments later. तो दोस्तों आज मैं आपको अपना टोटल बताना चाहूँगा, ठीक है, और जो मैंने आज कितने घंटे बाइक चलाई है, कितने मैंने पार्सल डिलीवरी की, कितनी राइड की, ठीक है, और टोटल कितनी अर्निंग हुई। तो टोटल मैंने आज डिलीवरी की है वो की है, पार्सल जो डिलीवरी की है वो की है 4, ठीक है, और एक राइड मारी है जिसमें उबर में एक पार्सल भी किया था और एक राइड भी मारी थी, तो टोटल में होते हमारा 468 और उबर में हमारे 2 मारे थे, एक है 92 रुपये का और एक है 204 रुपये का, 230 का होना था, 204 रुपये मिले।
ठीक है, पार्सल का अमाउंट। और ये थी हमारी टोटल इनकम। और बात करें कि हमने कितने घंटे काम किए और कितने पेट्रोल लगे हमारे, तो इसमें मैं मान लेता हूँ 164 मैं पेट्रोल मान लेता हूँ, और जो टोटल इनकम बचती है वो बचती है 600 रुपये। अब बात करें कितने घंटे काम किए हैं, तो वही है 12 बजे से 8 बजे, 8 घंटे काम किए मैंने, और 8 घंटे में मुझे मिला है 600 रुपये की इनकम। तो यही है आज की मेरी अर्निंग इनकम, 8 घंटे में 600 रुपये। ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।